माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस ब्लॉग में। तो गाइस, मैं आज वीडियो मैं काफ़ी दिन से नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं मुड़ी। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं है, लेकिन खांसी और सर्दी है, इस वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ भी अलग सी आ रही होगी आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज जो ये वीडियो डाल रही हूँ, ये वीडियो है, मैं कोई अपने घर का मैं वीडियो शूट नहीं की हूँ क्योंकि मेरी बहन का एनिवर्सरी का वीडियो है। तो वो अपने ससुराल से मायके आई है, मतलब मेरे मायके, तो वहाँ पे वो मेरे भाई बहन लोग कुछ वीडियो शूट किए थे। मैं वहाँ पे नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गई थी। लेकिन मेरे दोनों बच्चे वहाँ थे, गए थे, तो वही उसी के एनिवर्सरी की वीडियो है। तो मैं उन लोगों का मतलब वो लोग बोले कि आप ये वीडियो डाल देना। तो मैं अभी रेगुलर वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी, मैंने बताया आप लोगों को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो मैं वही आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसे कैसे उन लोगों ने खुद से अपने घर में अपनी बहन का, अपने जीजे जी का एनिवर्सरी घर में मनाया। और वो मेरी बहन है, वो अपने ससुराल से उसी दिन जिस दिन उसका एनिवर्सरी था उसी दिन अपने ससुराल से आई थी शाम को। तो वही उन लोगों ने, उन्होंने छोटी मोटी सेलिब्रेशन जो घर में करते हैं वही लोग किए और इंजॉय किए, पार्टी किए। और वो जो डेकोरेशन से लेकर के सारा केक वेक सब, वो सब सारे चीज़ का वीडियो शूट किए हैं। तो वही मैं डालूँगी, आपको दिखाऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे उन लोगों ने क्या किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे भाई बहन लोग खुद से घर में पार्टी का डेकोरेशन किए थे एनिवर्सरी का। तो ये देखिए, मेरे दोनों बच्चे हैं और ये मेरा छोटा भाई है, और इधर जो वो कुछ कर रहा है वो मेरा बड़ा भाई है। तो वही घर में ये लोग जो है, ये खुद से हर एक चीज़ जो है, ये लोग ये सब सारी चीज़ें जो है डेकोरेशन का आइटम वो सब खुद से अपना बनाए थे अपने से। और ये बैलून ये सब है वो जो खरीद के लाए थे, बाकी सारा ये एनिवर्सरी या ये बनाए हैं ये सब सारा जो है खुद से अपने से बनाया है इन लोगों ने, बहुत मेहनत किए थे। तो वही सब सजावट कर रहे हैं, और तो देखिए आगे आगे कैसे कैसे क्या करते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी खुद से उन लोगों ने एक लड़का लड़की बनाया है। और आर एस मेरी बहन का नाम है, उनके हस्बैंड का आर से नाम है, मेरी बहन का एस से नाम है। तो वो देखिए ये लोग पूरे अच्छी तरह से पूरा सजावट कर रहे थे घर घर में। और वो लोग अभी नहीं आए थे, ये दिन का ही टाइम है, दिन में ही। और काफ़ी ज़्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन मेरे जो भी छोटे छोटे भाई बहन सब हैं, मेरे से छोटे हैं, वो सब अपने में ही वो लोग खुद से किए थे। तो यहाँ पे देखिए ये लोग कैसे सजा रहे हैं। और ये मेरा बड़ा भाई है, और वो पेंटिंग जो देख, अच्छा मस्ती कर रहा है बलून के साथ। वो बलून फुलाने के लिए सुबह से इंतजार करवा के, मामा मुझे बलून फुलाना। तो हमने बोला कि अभी आफ्टरनून का टाइम है और पार्टी शाम में है, तो थोड़ा लेट से फुलाएंगे बलून ताकि वो पिचक ना जाए। तो अभी आधा डेकोरेशन हो चुका है, और फिर अभी हम लोग जाएंगे, हम और बड़ा भाई जाएगा मार्केट केक लाने के लिए, और केक लाने जाएंगे। और शाम में जो फिर दीदी दीदी और जीजू आएंगे तो फिर पार्टी स्टार्ट होगा। तो फिर दोस्तों, और फाइनल तैयारी जब हो जाएगी दोस्तों, तो फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है डेकोरेशन। हमने बाहर से कुछ नहीं मंगाया, जो भी घर में भी इक्विपमेंट था हमने वही यूज़ किया है।
नॉर्मल सा लाइटिंग है, और फिर ये हैप्पी बर्थडे वाला भी हम घर पे ही, हैप्पी एनिवर्सरी वाला हमने घर पे ही बनाया। तो दोस्तों बाकी का डेकोरेशन जो है हम आपको सामने दिखा देंगे, फिनिश टच दे देंगे उसको, इतना अभी जो हमने ज़्यादा कुछ नहीं है, बस घर में जो लाइट्स था उसको लगाकर डेकोरेशन किया है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये आज जो है तारीख है, आज 6 दिसंबर है और उसी दिन का वीडियो है, तो काफ़ी लेट हो चुका है, 2-4 दिन लेट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगी वीडियो। तो यहीं पे बच्चे और मौसी, ये जो है ब्लू स्वेटर में मेरी बेटी है, और ये बैलून फुला रहा मेरा बेटा, और मौसी के साथ कितना मस्ती के साथ वो सब लोग बैलून फुला रहे हैं और अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गया था सब सजावट करते हुए, सब लोगों ने, मेरा भाई लोग केक ला के रख दिया था। तो ये है मेरी बेटी, ये जो छोटी सी बच्ची है ये मेरी बहन की बेटी है, तो वो लोग आ चुके थे, शाम हो गई थी, 6 बजे वो लोग आए थे। तो वो लोग आए, उसके बाद थोड़ा वो लोग रेस्ट किए, उसके बाद फिर उन लोगों ने केक कटिंग किया। तो वो जो है वो गाना बज लगा हुआ था, तो यहाँ पे ये डांस कर रही थी छोटी सी बाबू, इसका नाम है कली, मैंने इसका वीडियो भी डाला है कुछ कुछ। ये देखिए, ये सब अपना फुल मस्ती दोनों भाई कर, भाई बहन कर रहे थे, और अपना ये छोटी सी बच्ची है जो डांस कर रही थी, और तो देखिए कैसे ये लोग मनाते हैं।
यहाँ पे केक काटने का समय आ गया है, तो वही सब लोग ये कर रहे थे। और ये नाम लिखा हुआ है पवन और सुहानी, और आप लोगों ने देखा होगा कि RS लिखा हुआ था वहाँ पे। तो मेरी बहन के हस्बैंड का दो नाम है, जैसे प्यार से पवन भी बोलते हैं और उनका नाम रंजन है, इसीलिए RS लिखा हुआ था। मेरी बहन का नाम सुहानी है, तो वही ये 6 साल का मैंने बताया था कि 6ठा सालगिरह मना रहे हैं वो लोग शादी का। तो यहीं पे वो लोग बैठे हुए हैं और आएंगे, तो देखिए आप लोग।